हेलो एंड वेलकम जी, कैसे आप सभी? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में मेरे तरफ से। आप और आपके परिवार हमेशा खुश और मस्त रहें, माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बरसाई रखे हमेशा, यही हम जो है उनसे कामना करेंगे। तो आज जो हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन मिटाने के लिए, ये हमारा जो है कोई भी असल मतलब नहीं बताया कि एक्चुअल में दिवाली मनाया क्यों जाता है। बहुत सारे लोगों का मत हमारा है कि हमारा जो है इसी दिन हमारे जो रावण का वध हो करके जब राम लौटे थे तब से हमारा दीपावली मनाया जाता है। तो हम आपको बता दें तो दशहरा में क्या होता है, जब हमारा जो रावण का हमारा जो पुतला जलता है, या ऐसे अगर आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो लक्ष्मी की हमारा जो पूजा होती है ये हमारा जो क्या घटना है ना। लक्ष्मी के साथ तो हमारा भगवान श्री नारायण का पूजा होना चाहिए था जो कि विष्णु जी हैं, तो भाई गणेश का पूजा क्यों होता है? तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अगर सच्चे हिंदू होंगे तो दीपावली को बहुत बेहतरीन ढंग से इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। बहुत सारा कहानियां जो हमारा इसके प्रति चलता है हम सारा कहानी को बताएंगे, बहुत मजा आएगा वीडियो देख करके। आप जो है कुछ जरूर इंफॉर्मेशन ले पाएंगे जो आपने जो है कभी और नहीं सुना होगा। तो चलिए सबसे पहली घटना को हम जो है यहाँ पे लाएंगे आपके सामने कि हमारा जो है दीपावली मनाने के पीछे जो है पहला रीजन क्या है। तो देखिए साहब, हमारा जो है दीपावली मनाने के पहले जो पहला रीजन जो हमारा है ये हमारा है कि जब भगवान श्री राम जो थे ये हमारा जो है रावण को वध करके जो है ना लंका से हमारा जो है अयोध्या आए थे, तब लोगों को हमारा जो है खुशी में हमारा जो है ना रुक नहीं पाया था और लोग जो है दीपों के दिए जला करके जो उनका स्वागत किए थे और लोग खुशी में जो है दीपावली का पर्व मनाते हैं। पहला ऐतिहासिक महत्व है। हालांकि हम बता दें इस घटना में हमारा जो है अगर जो है रावण को वध किए होंगे तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हमारा जो है दशहरा भी हमारा जो है ये हमारा क्यों मनाया जाता है, या वहां पे हमारा जो है रावण का वध क्यों किया जाता है। हमेशा दशहरा के कुछ दिन बाद ही हमारा दीपावली आता है, तो हो सकता है रावण का जो हमारा जो पुतला जो जला वहां पे हमारा जो है रावण का वध होता होगा, और उसके बाद जब हमारा जो है राम हमारे जो है लंका से हमारा जो है लौटे होंगे अयोध्या तब हमारा जो है दीपावली मनाया जाता है। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि आप जब धर्म ग्रंथ में देखेंगे तो आपको कहीं नहीं दिखेगा कि हमारा जो है ये राम जो थे ये हमारा जो है रावण को लौटने के बाद कुछ दिन फिर से वन में रहे थे और उसके बाद आए हैं। क्योंकि आपको पता है माँ कैकेयी हमारा जो है भविष्यविद थी, यानी कि बहुत बड़ी मतलब जो है उनको जो है भविष्य के बारे में जो है ज्ञान होता था। अगर आप सोच करके देखिए, अगर हमारा जो है माँ कैकेयी को ही ले लिया जाए तो हमारा जो ऐसा क्यों होता होगा कि हमारा जो है 20 वर्ष हमारा नहीं मांगे, पूरा जीवन हमारा जो है वनवास नहीं मांगे, और हमारा जो है आज ये हमारा जो घटना आपके सामने देखने को मिल रहा है कि हमारा जो है 14 वर्ष ही मांगे। उनका मर्जी होता तो ये भी कह सकते थे कि हमारा जो है बेटा भरत का हमारा जो है राजगद्दी होना चाहिए, राम का नहीं होना चाहिए, प्यार प्यार से मतलब जो है सारा बात हो जाता। अगर नहीं भी चाह रहे थे, राम से उतना ही नफरत होगा तो वो चाहते कि हमारा जो है इतना दिन जो हमारा जो है क्यों हम जो है काटे, पूरा जीवन भर के लिए हम जो है वनवास दे देते हैं, ये भी चीज मांग सकते थे। लेकिन हमारा ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो हमारे जो है भविष्य के बारे में बहुत जानती थी। जब हमारा जो 14 वर्ष पूरा हो जाता है, एग्जैक्ट एकदम 14 वर्ष जो पूरा होता है उसी दिन हमारा जो रावण का वध होता है ना, रियल हमारा जो घटना है। और तब जो है यहाँ से भरत हमारा जो एक ऐसा भाई था कि आप उम्मीद नहीं कर सकते राम से कितना प्यार करता था। राम के जाने के बाद उनका जो है पैर का खड़ाऊ जो कि चप्पल बोला जाता है, वो चप्पल रख करके राजगद्दी पे पूरा जीवन जो है 14 वर्ष तक जो है भाई का इंतजार किया था। आप सोच करके देखिएगा, अगर सच्चा भाई होगा तो क्या वो दिन नहीं गिन रहा होगा? बिल्कुल गिन रहा होगा, है ना। जब 14 वर्ष हो गया पूरा पूरा तो वो तो वहां से लौट जाने चाहिए थे, है कि नहीं? क्योंकि इतना दिन से वेट कर रहा था तो भरत छोड़ा नहीं होगा। एग्जैक्टली घटना ऐसा ही है, जब रावण को मारे थे तब उसके बाद ही हमारा जो भरत यहाँ से रोते रोते गया था कि भैया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, आपका जो 14 वर्ष हुआ वो हमारा जो पूर्ण हुआ, अब हमारे जो शरण में चलिए, आपका रजगदी आपका जो इंतजार कर रहा है। कहिए कि सर जब भविष्य को हमारा जो इसमें कैसे हमारा जो राजगदी मिला होगा,
तो इसकी घटना हमारा जो है जानने के लिए आप जो सोचिए, भविष्ण को हमारा जो था ना राजगद्दी दिलाने के लिए लक्ष्मण गए थे, ना कि राम गए थे, है ना। वो जाकर के जो है सारी घटनाओं को जो है वहां पे इल्जाम दिए और राम जो है यहाँ पे स्वागत में हमारा जो है रहे थे खास करके, है ना। तो पहली घटना तो आप जान लिए कि रामायण, इसका जो है पूर्ण रूप से महत्व हम जो है अगर जो है कहना चाहें तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा जो है राम के आने के बाद जो है पूर्ण रूप से कहना नहीं सही है कि हम जो है दीपों का पर्व मनाएं खुशी के लिए। चलिए दूसरा जो मिथ्स है, हमारे लोग बोलते हैं कि जब महाभारत की घटना हो रही थी ना, तो महाभारत में जब कौरवों का वध हुआ था उसके बाद जो है इन लोगों को बहुत ज्यादा दिन तक जो है वनवास में भी रहने पड़ा था। तो वनवास से जब लौटे थे तो उस समय से बोला जाता है कि ये महाभारत की ऐसी घटना है जिस दिन से हमारा जो है ये हमारा जो है जब सब लोग लौटे थे हमारे पांचों पांडव, तो उस दिन से हमारा ये घटना माना जाता है कि हमारा जो है दीपावली मनाया जाता है। तो आप सोच करके देखिए, वो अगर उसी दिन अगर खास हुआ होगा तो हम जो मान सकते हैं कि हमारा जो है सारा दीप एक साथ जले, ये हम मान भी सकते हैं इसमें। लेकिन आप सोच करके देखिए कि अगर जो एक दिया अगर जो आगे निकलना हो तो ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्यों तो अगर खुशी मना रहा है तो एक दिए जो है आगे नहीं निकाल सकते। तो ये महाभारत वाली घटना भी पूर्ण रूप से हम जो सत्य नहीं मान सकते इसके पीछे। अब जो हमारा जो कहा जाता है कि जब हमारा जो है ये हमारा जो हुआ होगा तो लक्ष्मी माँ जिस दिन हमारा जो है जन्म ली होगी उस दिन से हमारा जो है घटना माना जा सकता है। तो चलिए साहब इसको भी सुनाते हैं। देखिए जब हमारा जो है पूरा राक्षस प्रजाति का हमारा जो बहुत ज्यादा बलवाला हो गया था, तो सारे देवता जो है पैर पकड़ने के लिए हमारे भगवान श्री विष्णु जो कि हमारे जो पूरा संसार को वही चला रहे हैं उनके पास लोग गए, हमारा जो है तरह तरह की बातें बोलने लगे कि अब हमारा तो संसार अंत हो जाएगा, दानव लोग जो है जीत जाएंगे, हमारा जो है देवताओं क्या करेंगे, हम लोग जो सत्य सत्य का तो जीत ही नहीं होगा, सत्य जीत जाएगा। तो हमारा भगवान विष्णु जी जो थे वो हमारे जो समुद्र मंथन का सलाह देते हैं। समुद्र मंथन में से बहुत सारी चीजें मिलती है जिसमें से हमारा जो अमृत विष और मतलब जो एक लक्ष्मी माँ भी उसमें से निकलती है, जिसे जो है भगवान विष्णु अर्धांगिनी बना लेते हैं और बाकी सबको जो है जगह जगह पे पहुंचा दिया जाता है। लेकिन साहब आप सोच करके देखिए, इस दिन लक्ष्मी माँ का हमारा जो कहा जाता है कि इसी अमावस्या हमारा जो कार्तिक अमावस्या के दिन हमारा जो माँ लक्ष्मी का जो हमारा अवतार हुआ था जन्म हुआ था इसके वजह से हम लोग जो है वहां पे हम जो मनाते हैं। हालांकि हमारा जो है ये हमारा पूर्ण रूप से सही नहीं था, क्योंकि हमारा जब समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी निकली तो ये हमारा जो है घटना जो है आप नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा जो भगवान को आजन्मा बोला जाता है, उनका जन्म हो ही नहीं सकता। तो ये हम जो घटना को पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते। अगर लक्ष्मी के साथ हमारा जो है अगर नारायण की भी पूजा होती तब हम जो है ये घटना को मान सकते थे कि हमारा समुद्र मंथन के बाद माँ लक्ष्मी का हमारा जो है जो अवतार हुआ उस घटना को लेकर के हम लोग जो है दीपावली मना रहे हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए यहाँ पे कि हमारा जो है दीपावली के पीछे और अगर रीजन हो तो क्या हो सकता है। कहा जाता है कि इस दिन का घटना ना भी ले तो जब हमारी माँ लक्ष्मी जो है ना वो रूठ करके जो है छोड़ करके चली गई थी हमारे जो भगवान विष्णु से नारायण से, तब जो है हमारा कि हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा, हमको तो कोई मतलब जो अपना कहने लायक नहीं है। तो फिर से जो है समुद्र में मंथन के बाद मतलब जो है जो निकली वो तो हमारा घटना जो है स्थगित ही हो गया। बाद में जो है भगवान विष्णु जो है लक्ष्मी माँ को मनाने के लिए हमारे जो है समुद्र के पास गए थे और मना करके पुनः लाए थे और शादी किए थे इसी दिन अमावस्या कार्तिक के दिन, है ना, जो हमारा ये मनाया जाता है। तो कहा जाता है कि हमारा भगवान श्री हरि का यानी कि विष्णु का जो है इसी दिन विवाह हुआ, इसलिए हम लोग जो सालगिरह मनाते हैं लक्ष्मी के साथ। तो आप सोच करके देखिए, तो हमारा इनके साथ हमारा जो भगवान श्री नारायण का विष्णु का पूजा होना चाहिए, जो कि ये भी सत्य नहीं है। हमारा जो है खास करके गणेश का क्यों पूजा होता है। तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं, तब आएंगे कि एक दिए वाला जो हमारा जो घटना है ये क्यों होता है। देखिए हमारा जो माँ लक्ष्मी और इसके साथ साथ अगर विष्णु जी को अगर ले लिया जाए तो आप सोच करके देखिए कि हमारा जो है विष्णु जी और माँ लक्ष्मी का पूजा हमारे जो है भारत के दक्षिण भाग में चले जाइएगा तो अभी भी होता है हमारे विष्णु भगवान यानी कि श्री नारायण का और हमारा जो है माँ लक्ष्मी का पूजा अभी भी होता है। लेकिन हम लोग जो बिहारी लोग जो बहुत हमारे जो है दिल के पक्के होते हैं, समझदार होते हैं, तो लक्ष्मी का मतलब आप जानते होंगे कि हमारा जो धन की देवी होती है। और आप सोच करके देखिए, हम लोग समझदारी ये नहीं भाई कि धन की देवी जो है इनके साथ धन हमारा जो इनके साथ रहेगा, जिनके पास विद्या होगी
है ना, या तो हमारा जो जिनके पास विद्या होता है उनके पास धन होता है, या जिनके पास धन है वो विद्वान ही लोग होते हैं, वो हमारा जो धन अर्जित कर पाते हैं। तो आप सोच लीजिए, हमारे बिहार के लोग या हमारे जो आसपास के जो हमारा जो उत्तरी भारत के लोग थे, वो सब लोग जो है मिल करके इन्होंने सोचा कि हमारा जो बुद्धि से खास खास रिलेशन है, इसलिए हम जो है धन के चलते जो है इसको मनाना जो है बिल्कुल सही है। तो धन के साथ हमारा जो श्री गिनीश जी जो हमारे बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, उनके साथ पूजा करके ये दीपावली का पर्व जो है जोरों शोर से मना रहे हैं। तो ये तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि हमारा जो लक्ष्मी माँ के साथ हमारा जो है ये गणेश जी का हमारा जो है पूजा क्यों होती है ना। तो आप ये चीज समझ गए कि हमारा जो है गणेश जी क्यों पूजे जाते हैं इसमें, क्योंकि हमारे जो है लक्ष्मी के साथ साथ हमारा जो है गणेश का पूजा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो बुद्धि के जो भगवान मेन रूप से माने जाते हैं वो हमारे जो गणेश जी के, क्योंकि सब हमारा जो कार्य होने से पहले पूजा उसी का होगा जो सलाह लायक होंगे, तो हमारे श्री गणेश जी हैं। कहिए कि माँ सरस्वती का क्यों नहीं होता, वो तो हमारे जो विद्यादात्री होती है, विद्या देती है, तो वो हमारी माँ जो है वो एक्चुअल में विद्या देती है, ये बात सही है। लेकिन हमारा जो है जो पूरा जो है रचना करना होता है, जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से रचित करके एक बार में इमेजिनेशन में बता दे, वो बुद्धि के सबसे श्रेष्ठ हमारे जो गणेश जी को माना जाता है, इसलिए लक्ष्मी के साथ गणेश का पूजा होता है। अब एक दिन वाला अभी भी बात पूरा नहीं हुआ कि हमारा जो एक दिन पहले एक दिए क्यों निकलते हैं। तो चलिए साहब, वीडियो के लास्ट में आ ही गए हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका ये फर्ज बनता है, बहुत ही मेहनत से आपके सामने वीडियो ला पाते, कितना डिस्टरबेंस चल रहा होगा आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि बच्चों को या हमारे जितने लोग हैं हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं सबको पता हो जाना चाहिए कि हमारा जो दीपावली एक्चुअल में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि असल मतलब कोई नहीं जानते। तो चलिए साहब, आप जो है अगर बहुत अच्छा वीडियो अभी तक लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, शेयर बटन से व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिएगा, ताकि जो है सबको ये इंफॉर्मेशन सच्ची सच्ची घटना की चली जाए कि हमारा जो दीपावली क्यों मनाते हैं। चलिए साहब, अब हम जानते हैं कि हमारा जो है ये एक दिन वाला दिया क्यों हमारा जो है जलता है, तो वो कारण है हमारा नरकासुर का अवतार। आपको पता है जब हमारे भगवान विष्णु का बराह अवतार था, जिस समय हमारा जो है उनके पृथ्वी में पैर टकराने की वजह से हमारा जो है एक नरकासुर नामक हमारा दैत्य का यानी कि राक्षस का हमारा जो है जन्म हुआ था, जो कि बाद में जाकर के बहुत हमारा खतरनाक सिद्ध हुआ। तो हमारा जो है नरकासुर का वध हमारा जो है भगवान नहीं कर सकते, क्योंकि उसको जो है एक वरदान मिला हुआ था कि आपको जब भी वध होगा वो हमारा जो है स्त्री के हाथों होगी। तो साहब हमारा जो है सब लोग जो तंग हो गए, जब देवताओं लोग हमारा जो है कहा जाता है कि 16,000 हमारा जो है ऋषियों और मतलब जो है संतों के पत्नियों को जो है ये बंदी बना करके रखे हुए थे हमारा जो है नरकासुर। तो साहब हमारा जो है सारे लोग इनसे डरते थे, तो सब लोग जो है अब सोचे कि इसका जो है अगर कोई उपाय नहीं निकाला जाएगा तो हमारा जो है ये हमारा जो है युग का अंत हो जाएगा। इसलिए लोगों ने जो है खास करके हमारा जो है पालनहार हमारे विष्णु जी को माना जाता है, विष्णु जी के पास सब लोग जो है चले गए और बोलने लगे कि हमारा जो है ये क्या हो रहा है, अब तो हमारा जो है राक्षसों की जीत हो जाएगी जब हमारा जो है देवताओं के साथ अगर ऐसा हो रहा है। तो हमारा जो है इन्हीं घटना को सोच करके हमारा जो है विष्णु जी हमारा जो है खास करके जो कृष्ण जी के रूप में हमारा जो है जन्म लिए थे, उस समय हमारा जो है पत्नी सत्यभामा नाम की मतलब जो है स्त्री के साथ जो है उसको सारथी बना करके अपने रथ से जाते हैं हमारा जो है नरकासुर के वध करने। नरकासुर के वध करना इतना आसान नहीं था, तो सबसे पहले जो है उनके लोगों को जो उनके मतलब जो है सेना में हमारे थे उनको जो है वध किया गया, सबको मारा गया। उसके बाद जो है हमारा जो है नरकासुर जो है बौखला करके आया कि किसका हिम्मत हो गया जो हमें जो है मारने आया है। तो उस समय हमारा जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उसे जो है सारा चीज करके और लास्ट में हमारा जो है देवी सत्यभामा हमारा जो है जो कि हमारा श्री कृष्ण की पत्नी होती है उस समय जो है सारथी के रूप में होती है, उन्हें जो है मारता है। मारने के बाद हमारा जब भगवान हमारे जाते हैं सारे लोगों को कहते हैं कि हमारा अब नरकासुर नहीं रहा, अब डर के मारे सब जो है घर में मत छिपे रहो, सब बाहर निकलो। तो डर से लोग जो है क्या करते हैं ना, आगे जो एक दियो को बाहर निकालते हैं कि अगर जान जाएगा तो वो आकर के जो फिर से हंगामा करेगा, और जो है ये चीज है देखने को नहीं मिला क्योंकि हमारा जो नरकासुर मारा गया था। तो पहला दिन जो एक दिए जलाए जाते हैं उसमें हमारा जो है नरकासुर को मतलब देखने के लिए कि वो जिंदा अभी तक है या नहीं, इसके लिए हमारा जलाया जाता है। तो आप इसमें ये भी मिथ सुने होंगे जो लोग मतलब जो जानते हैं ये सच्ची घटना है कि हमारा जो इसमें लोग जो है ना एक दिए जब जलाते हैं तो उसको पीछे मुड़ करके देखना नहीं होता।
तो यही डर के मारे जो है लोग पीछे नहीं मुड़ करके देखे, क्योंकि अगर जो है देख लेते तो हो सकता है नरकासुर जिंदा रहता तो फिर से जो वही घटना होती जो नहीं होना चाहिए था। अब जो है सोचने वाली बात यह है कि हमारा जो है भाई साहब, जब हमारा सब लोग जान गए कि नहीं सच में हमारा वो नहीं रहा, क्योंकि एक दिए जले थे तो हमारा आना चाहिए था, तो बहुत बड़ी बात ये हो गई कि हमारा जो है लोगों ने खुशी के दिए जो है अगले दिन जलाए कि अब कोई नहीं रहा, हम लोग तो एकदम खुशी खुशी अब रह सकते हैं। और सब लोग जो है खुशी में जो है इसके एक दिन बाद जो है दिए जलाते हैं, जिसको हम लोग जो है मेन रूप से दिवाली बोलते हैं या दीपावली भी बोल सकते हैं। तो ये सत्य हमारा जो है कैसे जीतता है, ये हमारा जो है घटना को उजागर करने के लिए असत्य के प्रति सत्य की जीत होती है, इसलिए हम लोग जो खुशी में जो है घी के दिए जलाते हैं, इसी का हमारा जो महत्व है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमारा जो है बहुत सारी घटना है, ऐसा नहीं बोल सकते वो घटना बोला जाता है वो गलत होगा इसके प्रति, लेकिन जो है वो भी हमारा जो अगर सत्य माने ना, तो जो हम लोग जो इसमें काम कर रहे हैं वो हमारा जो प्योर रूप से सार्थक नहीं बैठ रहा था, इसलिए आज हम आपको जो है पूर्ण रूप से बता दिए कि हमारा जो दीपावली क्यों मनाया जाता है। तो चलिए साहब, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी तक अगर कंजूस बने हैं तो लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। अगर आप लोग जो है चाह रहे हैं कि हमारा जो है छठ पर्व क्यों मनाया जाता है इस पे वीडियो आए, तो कमेंट सेक्शन में जो है आप इससे जो है भर दीजिए कमेंट सेक्शन की छठ के बारे में बताइए, उचित घटना लेकर के आएंगे, सारे चीज जो है सही बताएंगे कि हमारा छठ क्यों मनाया जाता है, ऐसा क्यों इसमें जो है मनाता है। चलिए मिलते हैं अगले दिन, बाय।